हेलो, मैं कुमार। महिंद्रा को वन ऑफ द सेफेस्ट कार बनाने का खिताब हासिल है। अगर हम सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करते हैं, XUV300 को ग्लोबल एनकैप के द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली थी। वहीं इसकी मोस्ट सेलिंग मिड साइज कार अगर हम देखते हैं स्कॉर्पियो, उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और थोड़ी सेफ्टी के मामले में हमेशा वो गाड़ी लैक करती है, जिसको आज इस वीडियो में उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख लेंगे। एक बिहार पटना के अपने भाई हैं, तो उनके साथ उनकी स्कॉर्पियो S11 2017 मॉडल के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसको डिटेल में हम देखेंगे, उससे ही समझेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये हिट किससे हुई है। ये हुई है एक पोल से हिट, जो रोड के वहाँ पे होते हैं उनकी। खैर, हम उसको भी देखेंगे कि कैसे हुआ है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि गाड़ी के एयरबैग इसमें नहीं खुले हैं, उस रीजन की भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी की अगर स्पीड की बात की जाए, जिस स्पीड के साथ ये पोल से टकराई है, तो वो है 30 से 40 की। अब ये रात का एक्सीडेंट है, तो रात में जब कार ठुकी थी वहीं पे, तो तभी भाई ने कुछ फोटोज भी क्लिक करी थी, तो ये आप उसकी पिक्स देख सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ इसमें ये रही कि इसका जो इंजन वगैरह था वो बिल्कुल सेफ बच गया। कार स्टार्ट होके घर तक भी आई है खुद से ही, बस एक जो कूलेंट है वो इसका लीक कर गया। बाकी कार चलने में ठीक है। अब मेन बात आप करेंगे इसके एयरबैग्स के बारे में, तो आप देखेंगे इसके बीच में बिल्कुल हिट किया है, तो वहाँ पे सेंसर नहीं लगे होते हैं। अगर आप एयरबैग्स के सेंसर की बात करते हैं, तो लेफ्ट या राइट में ही उनकी अक्सर प्लेसमेंट देखी जाती है। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि इस गाड़ी में जब ये उसने हिट किया पोल से, तो जब एयरबैग नहीं खुले, तो जो पैसेंजर साइड बंदा बैठा हुआ था उसका सर फट गया। जैसे ही वो एकदम गाड़ी ठुकी है उसमें, तो उनका सर डैशबोर्ड पर जाके लगाया, जिसकी वजह से उनका सर वहीं की वहीं फट गया। और जो ओनर इस कार के हैं, वो इस बात से निराश होते हैं कि कार के एयरबैग खुलने चाहिए थे। तो कंपनीज को थोड़ा इसमें भी देखना चाहिए कि बीच में भी एक दिया जाए, क्योंकि जब पोल वगैरह से कार ऐसे हिट करती है, तो वो भी काफ़ी सीरियस, अगर स्पीड में होती तो काफ़ी सीरियस इंजरी यहाँ पे भी वो कर सकती थी। अब थोड़ी अगर हम बात करें पोल की और एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ कैसे है, तो ये आप देखेंगे, ये रोड है ना, जो सीधा ना जाके हुए थोड़ा सा टर्न लेता है। अब ड्राइवर कहीं पर उसका ध्यान भटक गया और सीधा का सीधा स्टेयरिंग रह गया, और सीधा कार 40 से 50 की स्पीड में जाके इस खंबे से टकरा जाती है, जो कि आप पोल देख रहे हैं। ये बिजली का पोल है और स्कॉर्पियो इसको थोड़ा सा भी नहीं हिला पाई है, बल्कि आप देखेंगे इसका पूरा बोनट वगैरह कैसे पूरा बैंड हो गया है। अब भाई से जब मैंने पूछा इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में, तो उनका कहना है कि वो पहले भी 2 स्कॉर्पियो रख चुके हैं, चलाने में तो बढ़िया है, चलाने में उनको काफ़ी मजा आता है, फॉर्च्यूनर वाली फीलिंग आती है वो बताते हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में कार उनको भी बिल्कुल ये पसंद नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा निराश वो एयरबैग वाली बात से हैं कि बीच में भी एक सेंसर जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से एयरबैग भी घुल पाएं। और स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है, वो भी आपको इस वीडियो में समझ आ रहा होगा। अब स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल की सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स आते हैं, जो कि इस एक्सीडेंट में नहीं खुले। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम आ जाता है साइड इंस्ट्रक्शन बीम्स के साथ। 30 में आता है क्रैश प्रोटेक्शन क्रम्पल जोन्स, इंजन इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन इसमें आती हैं, लेटेस्ट जनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम आती है, इमरजेंसी कॉल ईकॉल आते हैं, गिमी की फीचर है भी, ABS, EBD, ये सब आपको फीचर्स स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। लेकिन उनके बावजूद 30-40 की स्पीड पे स्कॉर्पियो का मारुति जैसा ही हाल है। अब इससे एक चीज़ पता चल जाती है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होता। जैसे XUV300 की बहुत सेफ गाड़ी है, वहीं स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है। वहीं मारुति की बात करते हैं, तो स्विफ्ट, सेलेरियो, बलेनो ये सब बेकार हैं। वहीं अगर हम ब्रेजा को देखते हैं, तो वो 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग साथ आती है, लेकिन लोग फिर भी उसको बेकार बिल्ड क्वालिटी वाली ही कंसिडर करते हैं। तो आपके क्या विचार हैं स्कॉर्पियो के इस इंपैक्ट को देखते हुए, इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, आप कमेंट्स में जरूर बता के जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।